गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिगोनोमेट्री है ना, होल टू होल पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग को हम रेगुलर क्लास कर करके सारा कंप्लीट कर दिए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा क्वेश्चन कर लिए होंगे ट्रिगोनोमेट्री का। अगर जो सब कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं किए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम तो ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन भी नहीं देते थे, बहुत कम 10-10 क्वेश्चन देते थे, और एक दिन में 10 क्वेश्चन करना शायद ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों को मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 15, ये है 15 में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। अब यहाँ हम प्लेन फिगर की बात करेंगे। प्लेन फिगर मतलब ट्रायंगल है ना, आपको स्क्वायर, क्वाड्रेंगल, रेक्टेंगल, इन सब का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो हमको यहाँ 15 में दो पोर्शन है, 15A और 15B। 15A में आपको बात किया गया है ट्रायंगल का, तो हम विभिन्न तरह के है ना, अलग अलग डिफरेंट तरह के ट्रायंगल देखेंगे, उसकी एरिया, पेरीमीटर क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो ट्रायंगल है वो तीन पार्ट्स होते हैं। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल का तीन टाइप्स होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और फिर आपको है ना आइसोस्केल ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल। तो देखिए, ट्रायंगल कोई भी हो, अगर ट्रायंगल कोई भी हो, लेकिन जैसे मान लेते हैं हम ट्रायंगल ABC है, तो इसमें BC बेस है और AD क्या है, हाइट है ना। BC बेस है और AD हाइट है, मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस और हाइट दिया है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × BC × हाइट। और पेरीमीटर को आप लोग जानते हैं, कोई भी ट्रायंगल रहे उसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल के तीनों साइड्स के है ना सम कर देना है, वह आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर तीनों इस मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड अगर दिया है, उसके तीनों साइड को अगर तीनों साइड का अगर हम सम निकाल देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। जैसे इस ट्रायंगल में एक साइड है ए, दूसरा बी और तीसरा सी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a+b+c। अगर किसी ट्रायंगल का बेस दिया है, हाइट दिया है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 × BC × हाइट। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा कि किसी ट्रायंगल में ना बेस दिया है ना हाइट दिया है, सिर्फ तीनों साइड दे दिया है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, इसके लिए यूज होता है हीरोन्स, है ना, हीरोन्स का फॉर्मूला है ना। हीरोन्स ने क्या क्या था, एक फॉर्मूला दिया था इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, वो फॉर्मूला क्या था, तो √S(a)(b)(c) है ना। यहाँ पे S क्या है, तो S जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, मतलब है ना पेरीमीटर निकाल के उसको दो से डिवाइड कर देते हैं, a+b+c/2। तो यहाँ S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो अगर आपको बेस और हाइट नहीं दिया रहेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर सिर्फ तीनों साइड दिया है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, √S(a)(b)(c). ठीक है, अब एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल। मान लीजिए यहां ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों का साइड ए, ABB है सेंटीमीटर, ये भी ए है। ठीक है, तो देखो इससे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे तो यह परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइट है, इसको आधा आधा कर देगा, तो यह a/2 और यह a/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो है आपको ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, यहाँ हाइपोटेन्यूस ए है, ये एच है, ये a/2 है, तो यहाँ भी हाइट निकालिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट निकालिएगा तो वह √3/2 a आएगा, √3a/2। ठीक है, यहाँ सिर्फ जो है रूट में सिर्फ 3 है, a रूट से बाहर है और पूरे के बटा में 2 है आपका हाइट। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होता है, 1/2 × BC × हाइट, तो 1/2 × बेस के जगह क्या है, ए आई इंटू हाइट के जगह आपको ये आया है। ठीक है, तो ए से ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 से 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया बन जाएगा √3/4 × sin²। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर निकालने बोले और साइड दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4 × sin²। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल की हम बात करें आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आइसोस्केल ट्रायंगल आप अच्छी तरह जानते हैं, दो साइड इक्वल होता है और तीसरा साइड नॉन इक्वल होता है, तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है। तो हम मान लिए यह ए साइड है, यह ए साइड है और इस पूरा को हम बी मान लिए,
परपेंडिकुलर डाले तो एबी बाई टू बी बाई टू हो गया। तो यहाँ जो हाइट होगा वह क्या होगा, रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू पे आएगा। इसमें जवाब है ना हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे एच हाइपोटेनियस जो होगा वह आएगा रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू के बराबर आएगा। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला है सब ट्रायंगल के लिए, 1 by 2 into base into height सभी ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। तो 1 by 2 बेस के जगह क्या आपका b बेस है, तो b into height आपको आया है root under 4 a square minus b square by 2। तो ये हो गया है 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया 1 by 4, 1 by 4 into b into root under 4 a square minus b square। यह सारे आपको फॉर्मूला थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी सारे फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना। आप इस क्वेश्चन सब करेंगे, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 15 ए की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेस दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए बेस दिया है परपेंडिकुलर दिया है, तो 1 बाय 2 गुणे बेस इनटू हाइट है ना, हाइट और परपेंडिकुलर एक ही चीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों साइड दिया है, तो तीनों साइड दिया है तो हीरोस का फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों साइड दिया है तो एरिया निकालने बोल रहे थे, तीनों हीरोज का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइड रेशियो में दिया है और उसका पेरीमीटर 150 है, तो आप साइड को जैसे 5:12:13 है, तो 5x दूसरा को 12x तीसरा को 13x और सबका सम करके 150, क्योंकि 150 पेरीमीटर दिया है, तो इस तरह आपको साइड पता चल जाएगा और साइड पता चल जाएगा तो एरिया पता चल जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 6 नंबर में कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का है ना जो पेरीमीटर है वो 40 है, पेरीमीटर 40 है और हाइपोटेनियस 17 है। देखिए हम मान लिए एबीसी है राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हाइपोटेनियस 17 दिया है, हाइपोटेनियस 17 और पूरा पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम 45 है, तो हम तीनों साइड का सम निकाल दिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 40 कर दिए। अब देखो ए सी का वैल्यू 17 दिया है तो 17 हम यहाँ पुट कर दिए, तो ए बी प्लस बी सी जो हो वह क्या होगा, 40 माइनस 17 इज इक्वल टू 23, मतलब ए बी और बी सी जो होगा वह क्या होगा, दोनों का सम 23 होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं ए बी एक्स, देखो ए बी और बी सी दोनों का सम 23 हो रहा है, अगर ए बी को हम एक्स मान लिए तो बी सी क्या होगा, 23 माइनस एक्स होगा ना जी, दो का सम 23 है, तो एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, 23 माइनस x हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर से, है ना, हाँ हाइपोटेनियस थ्योरम से जानते हैं हम लोग ये चीज। तो x यहाँ x स्क्वायर प्लस ये आपका बेस है 23 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह 23 है, 23 का होल स्क्वायर 529 माइनस 2ab तो 2 × 23 × x मतलब 46x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 529 अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 529 इस 289 को हम इधर ले आए, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, तो हम 289 को इधर ले आए तो ये आपको माइनस में 289 हो गया, प्लस ये सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 240, सब में से 2 कॉमन ले लिए तो आपको बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस एक्स और बीस इक्वल टू 0 है ना, ये आप फैक्टर करेंगे तो एक्स का वैल्यू 15 या 8, एक्स का वैल्यू या तो 15 होगा या 8 होगा। अगर देखो अगर हम 15 लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू 15 लेते हैं तो ए बी 15 होगा तो बी सी कितना होगा, 23 माइनस 15 मतलब 8, अगर ये 8 लेते हैं तो ये 15 होगा, ठीक है, मतलब एक 15 होगा और एक 8 होगा, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है, 1 बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 बाई 2 बेस, अगर इसको अगर हम मतलब जो है सो ये 8 मान लेते हैं 15 इंटू 8 तो फिर 2 × 4 जाए 15 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए बहुत आसान क्वेश्चन से आप लोग सारे क्वेश्चन को कीजिए, ज़्यादा नहीं हम 10 मात्र क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, है ना, 10 क्वेश्चन आज कर लीजिए, 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करने में कोताही बिल्कुल मत करें, है ना, जितना क्वेश्चन देते हैं उतना क्वेश्चन कम से कम कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेबस है ना आगे जल्दी से जल्दी खींचा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करेंगे इससे नुकसान आप
आपको होगा, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, आप लोग को जब कोई दिक्कत हो तुरंत आप हमको मैसेज डालिए, हम आपका उसका सोल्यूशन सॉल्व करके आपको डाल देंगे, भेज देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अपने पढ़ाई अच्छी तरह कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फॉर।